क्या इगोर स्टीमैच इंडियन फुटबॉल को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, एंड अगर ऑब्सेस्ड हैं तो क्यों ऑब्सेस्ड है, एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या कर दिया है उन्होंने अब ऐसा। Hey guys, welcome back to my channel. And अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इगोर स्टीमैच ने इस इंडियन टीम को पिछले 4-5 सालों में 106 रैंकिंग से 99th पर पहुंचा दिया, एंड एक टाइम पे हम पिछले महीने 98th पे भी पहुंच गए थे। बट 98th पे पहुंचना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अब हमारे लिए पहुंच जाएंगे आने वाले दिनों में। बट क्या इगोर स्टीमैच ऑब्सेस्ड हैं इंडियन फुटबॉल से? अगर मैं इस बात का आंसर देना शुरू करूं तो येस, ही इज़ ऑब्सेस्ड बाय इंडियन फुटबॉल, क्योंकि इंडियन फुटबॉल में एक वो क्रोएशियन माइंड सेट है उनका, बट वो क्रोएशियन परस्पेक्टिव से नहीं सोचते बिल्कुल भी। वो ऐसे ही हर काम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन फुटबॉल में, जैसे कि वो इंडिया में ही उनका जन्म हुआ है, इंडिया में ही उन्होंने अपनी फुटबॉल खेली है, एंड इंडिया के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। ही इज़ नॉट एक्टिंग लाइक अ कोच एनीमोर। वो एक इंडियन सिटीजन, इंडियन नेटिव, जो कि इंडिया में ही बड़ा होता है, उसकी तरह वो एक्ट कर रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं वो। बट क्यों कर रहे हैं ऐसा वो? वेल, इसको देखने के दो नज़रिए हैं। फर्स्ट, टू गेट सम मनी, जो कि आई डोंट थिंक प्रॉपर रीजन है, क्योंकि मनी उनको इंडिया से ज्यादा दूसरी कंट्रीज भी ऑफर कर सकती हैं। इंडिया जो ऑफर कर रही है इस टाइम वेजेस वगैरह इगोर स्टीमैच को, वो इतने ज्यादा नहीं है कि कोई और कंट्री ऑफर नहीं कर सकती। देयर आर मैनी मैनी ऑप्शंस फॉर इगोर स्टीमैच। बट अब जो न्यूज निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि इगोर स्टीमैच 8 अगस्त को मीटिंग करेंगे आईएसएल के सारे कोचेस के साथ। किसके लिए मीटिंग करेंगे वो इगोर स्टीमैच? वेल, उनको अपना फ्यूचर प्लान बताने के लिए कि मेरे को किस किस टूर्नामेंट में किस आईएसएल क्लब्स से कौन से प्लेयर्स चाहिए, एंड उनको ट्रेनिंग कैंप में भी जो अलॉटमेंट मिलेगी उन प्लेयर्स को, उनका इम्पैक्ट आईएसएल के क्लब्स के ऊपर क्या पड़ेगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। वो जितने भी कोचेज हैं आईएसएल के क्लब्स के, उन सब के साथ मीटिंग है उनकी 8 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कोच जो कि पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी तक को भी लेटर लिख देता है कि हमारी एशियन गेम्स में टीम को अलाउड करो जाना, हमारी टीम को वो रैंकिंग में इम्प्रूव कर देता है, इतना हमारी टीम की गेम प्ले इतनी ज़्यादा सुधार देता है वो, हमारे आईएसएल के क्लब के कोचेस के साथ भी अब वो मीटिंग कर रहे हैं स्पेशली कि मेरे को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मंथ्स अब शुरू हो रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के, तो मेरे को इसमें प्लेयर्स चाहिए मेरे, प्लीज़ मना मत करना। एंड ईस्ट बंगाल और मुंबई सिटी एफसी ने तो प्लेयर्स मना भी कर दिए हैं रिलीज करने से अंडर 23 फॉर द एएफसी एशियन अंडर 23 कप क्वालिफायर्स, जिसका कैंप शुरू होने वाला है वी ऑल नो दैट 12 अगस्त से, तो जिसमें ईस्ट बंगाल और मुंबई सिटी एफसी ने तो मना भी कर दिया है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, इगोर स्टीमैच की अगर मैं बात करूँ यार, तो एक ऐसा कोच जो कि वो ये काम इसलिए कर रहे हैं कि दिख रहा है उनको कि इंडियन फुटबॉलर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, ना सिर्फ मेन स्ट्रीम टीम के अंदर बल्कि अगर आईएसएल की भी बात करूं तो आईएसएल के भी काफ़ी लड़कों के ऊपर उनकी नज़र रहेगी इस आईएसएल के सीजन में, क्योंकि काफ़ी अभी स्पेसेस ओपन है इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर जिसमें रिक्रूटमेंट्स हो सकती हैं अगर आप आईएसएल में अच्छा खेलो तो, क्योंकि मर्डेका कप अभी खेलना है इंडियन टीम ने अक्टूबर में, तब तक आईएसएल शुरू हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी खेलना है। तो इगोर स्टीमैच ने उसमें भी क्लियरली यही कहा हुआ है कि जोन से प्लेयर्स फॉर्म में होंगे मैं उनको ही कंसिडर करूँगा ले जाना, मैं सिर्फ इन नामी चेहरों के ऊपर नहीं जाऊंगा, जिनकी फॉर्म होगी मैं उन्हीं को प्रेफरेंस दूंगा इन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स एंड इन एशियन कप। तो कहीं ना कहीं वो जो गेटवे है वो भी ओपन रख रहे हैं वो काफ़ी सारे प्लेयर्स के लिए, एंड जिस तरीके से इगोर स्टीमैच की पार्टिसिपेशन दिख रही है इंडियन फुटबॉल में, टू प्राइम मिनिस्टर इन AIFF, अब ISL के कोचेज के साथ भी, सुनील छेत्री को भी उन्होंने लीव दे दी है किंग्स कप के लिए, वी ऑल नो दैट व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट, बट कहीं ना कहीं जो इगोर स्टीमैच का विजन है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, एंड एक ऐसे कोच का विजन है वो जो कि वर्ल्ड कप खेल चुका है, वी ऑल नो दैट क्रोएशिया के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं इगोर स्टीमैच, उनको पता है फुटबॉल कैसे वर्क करती है। ठीक है, पिछले जो 4-5 साल थे इंडियन फुटबॉल टीम के साथ उनके स्टार्टिंग के, वो इतने बढ़िया नहीं गए थे, बट अगर आप तब से ग्रोथ देखो तो ग्रोथ
हर एक डिपार्टमेंट में इगोर सीमैच ने करी है, चाहे वो AIFF के अंदर पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे वो इंडियन फुटबॉल का गेम प्ले सुधारना हो, चाहे वो ISL के स्टैंडर्ड्स को हाई करना हो, चाहे ISL के प्लेयर्स को प्रमोट करना हो इंडियन फुटबॉल टीम में। एंड ये वही कोच है जिसको हम एक टाइम पे कहते थे यार ये कितने सारे जनों को डेब्यू दे रहा है, एक टाइम पे जब हमने देखा था कि UAE के अगेंस्ट, बेलारूस के अगेंस्ट इगोर सीमैच इतने ज़्यादा डेब्यूज दे देते थे नए लड़कों को। बट वो क्यों देते थे, वो आज दिख रहा है उन लड़कों के अंदर जब वो लड़के उस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर। तो कहीं ना कहीं इगोर सीमैच इज ऑब्सेस्ड विद फुटबॉल, बट ये ऑब्सेशन जो है उनका ये एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, वो देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। बट आई थिंक कि वी शुड स्टिक विद इगोर सीमैच फॉर लॉन्गर पर्पस। जरूरी नहीं है कि अगर AFC एशिया कप हमारा अगर बेकार जाता है तो उनको सैक कर दिया जाए या उनको जॉब से निकाल दिया जाए। आई डोंट थिंक दिस विल बी द राइट ऑप्शन। इगोर सीमैच को हमें रखना चाहिए फर्दर टूर्नामेंट्स के लिए, एंड हु नोज कि वो लॉन्ग टर्म रन में हमारे लिए और अच्छे कोच साबित हो। तो कहीं ना कहीं इगोर सीमैच का जो विजन है वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो इगोर सीमैच का विजन है वो इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं देंगे। ऑलरेडी उनको 3-4 साल लग गए इंडियन टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए भी, कि हम AFC एशियन कप में भी क्वालिफाई हो गए हैं लगातार दूसरी बारी, वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी हम कुछ कर सकते हैं, वी नो दैट। एंड एक जो ये माइंडसेट हमारे अंदर आ गया इंडियन फुटबॉल फैंस के अंदर कि यार हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट शायद कुछ कर सकते हैं, वो भी माइंडसेट जो है वो इगोर सीमैच की ही देन है। अगर इंडियन फुटबॉल टीम को वो ऐसा फुटबॉल ना खेलने को कहते तो शायद आज मैं ये यहाँ पे बैठ के कह ना रहा होता कि शायद हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। इफ्स एंड बट्स जरूर है उस आर्ग्यूमेंट के साथ, बहुत ही स्लिम चांसेस है उसके साथ, बट फर्स्ट टारगेट हमारा AFC एशियन कप है। बट कहीं ना कहीं जो पार्टिसिपेशन दिख रही है इगोर सीमैच की, आई एम लविंग दिस। आई डोंट सी के काफ़ी सारे लोग अब इगोर सीमैच के अगेंस्ट में होंगे इस टाइम, ज़्यादातर लोग 99% लोग उनके फेवर में ही हैं क्योंकि रिजल्ट्स उनके साथ हैं एंड फ्यूचर उनका अच्छा दिख रहा है इंडियन फुटबॉल टीम के साथ। वेल, आपकी क्या राय है इगोर सीमैच के बारे में, एंड ये जो उनकी डिस्कशन होने वाली 8 अगस्त को ISL के हर एक क्लब के कोचेस के साथ, उसके बारे में भी आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब। टिल देन,